Good morning, students. I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's class with Saraswati Mata Mantar. Om Ehi Kali Maha Saraswati Deviye Nama. Om Dev Guru Vidyadipate Vraspate Nama. Om Shanti. Let's start. Students, in this session, I am going to teach you question number second part, fourth part, seventh part and eighth part. All these four parts are of the same method in which we are going to reduce the equation into the simplest form of linear equation, and after that we are solving that equation. For your demo sum, I am solving the sum number 8 for you. First of all, I am writing the statement for you. स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखेंगे, जिस तरीके से आपको अगर 8 क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ जाता है तो आपको ये सारे सम्स करने बहुत इजी रहेंगे. मैं 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट नोट कर रही हूँ. 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4 और सेकेंड इक्वेशन है 1/2 3x + y - 1/2 3x - y = -1/8. ये मेरे पास दो स्टेटमेंट्स गिवन है. अब मुझे इसको सॉल्व करना है बाय रिड्यूसिंग देम इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हमारे पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमारे पास इक्वेशन बहुत बड़ी सी लग रही है, तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, जिससे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, जो फर्स्ट टाइम आज क्लास ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट, आप इसका प्रीवियस लेक्चर भी वॉच करना. उस दिन मैंने आपको फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था. ये सिंपल था, सिंपल एलसीएम लेके हमने सम स्टार्ट किया था. अगर हम आज एलसीएम लेते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर नहीं रहेगी. क्यों? जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x को 3x से तो 9x² आ जाएगा. तो इसीलिए पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं. तो जो कॉमन पार्ट दोनों में नजर आ रहा है, आप उसको कोई और वेरिएबल लेट कर लो. लेट 1/3x + y = a, 1/3x - y = b. तो मेरे पास दोनों साइड पर 1/3x + y, 1/3x - y दोनों साइड पर सेम था. तो जो आपको सेम पार्ट नजर आएगा उसको आप क्या लेट कर लेंगे? उसको आप x लेट कर लेंगे, या x तो था ही क्वेश्चन, x नहीं लेट करेंगे आप, उसको कोई और वेरिएबल लेट करेंगे, जैसे आपने a और b लेट कर लिया. अब लेट करने के बाद अब इसमें चेंज करो, ये हमारा a बन चुका है, तो हमारी इक्वेशन बनेगी a + b = 3/4. 4 से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4a + 4b = 3. तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई. इसी तरह से जब मैं सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करूंगी तो 1/3x + y को a माना है, तो ये a/2 हो जाएगा क्योंकि नीचे 2 है. माइनस इसको बी लेट किया है, तो ये b/2 = -1/8. यहां 2 से एलसीएम लेंगे, a - b = -1/8. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये कैंसिल होके 1/4 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो -1. सिंपल स्टेप्स में करते हुए अपने क्वेश्चन को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? पेयर ऑफ सिंपल लीनियर इक्वेशन. यहां एलसीएम लिया, फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 से 8 कैंसिल हुआ 1/4, 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई. अब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड को. किसी भी मेथड से कर सकते हैं, इलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, जिससे आपका मन करे. तो मैं यहां पे इलिमिनेशन मेथड लगाने वाली हूं क्योंकि बिना साइन चेंज किए दो वैल्यूज कट रही हैं. तो मेरा यहां पर 8a = 2, a = 2/8 कट के 1/4. अब मेरे पास आंसर आ गया a = 1/4. मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगी, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूं. 4a की जगह 1/4 + 4b = 3, 4 से 4 कैंसल हुआ, 4b = 3 - 1, तो b की वैल्यू 2/4 कट के कितनी आ गई? 1/2. अब यहां से मेरे पास a = 1/4 और b = 1/2 निकला है. अब मुझे इसको स्टार में पुट करना पड़ेगा जहां मैंने इसको a और b बनाया था, क्योंकि मेरे को तो आंसर x और y में निकालना है. अभी मेरा आंसर किसमें निकला है? a और b. तो हम इसको स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे, आगे एक और सिंपल सा लीनियर पेयर तैयार हो जाएगा. जब हम इसको स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे तो 1/3x + y = a, और एक है 1/3x - y = b.
यहाँ वैल्यू पुट करो, ए की जगह हमारे पास वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, ए निकला है 1/4 और बी हमारे पास कितना निकला है, बी हमारे पास निकला है 1/2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहां से एक इक्वेशन तैयार करेंगे, इक्वेशन नंबर 3, और यहां से भी इक्वेशन एक तैयार हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इक्वेशन नंबर 4। ये दो इक्वेशन स्टूडेंट तैयार हो जाएंगी हमारे पास, मैंने यहां पर वैल्यू पुट करी है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा। अब आगे मुझे इस अगेन इस इक्वेशन का लीनियर पेयर सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे पास इक्वेशन आ गई है 3x + y = 4, 3x - y = 2। ये दो इक्वेशंस हमारी बनी हैं, हमें इन इक्वेशंस को आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अगेन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इलिमिनेशन लगा के डायरेक्ट कट गया, 6x = 6, 6x = 6/6 1 आ गया। इसको किसी में भी पुट कर दो, मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देती हूँ, 3 × 1 + y = 4, तो 3 + y = 4, तो y = 4 - 3y भी मेरा क्या निकल गया है 1, तो मेरा आंसर आ जाएगा x = 1 एंड y = 1। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। मैं आपको स्टेप रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले आपको जो दोनों में कॉमन पार्ट नजर आ रहा है उसको ए और बी लेट कर लो, फिर उसको अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके उसे रिड्यूस करो। आपको एलसीएम लेना पड़ सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, रिड्यूस हो जाएंगी। आप उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो किसी भी मेथड की हेल्प से, बाय इलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जो आपकी वैल्यूज आ जाएंगी दैट विल बी नॉट योर आंसर, उसको वापिस आप रीपुट करेंगे जहां आपने लेट किया होगा उस पार्ट में, वहां से दो और इक्वेशंस तैयार हो जाएंगी आपके पास लीनियर। अब उन दो इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तब आपके पास सिंपल आपका आंसर निकल जाएगा जो आपको निकालना है। तो इसी मेथड पर स्टूडेंट बेस्ड आपके सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं मेरी कॉपी के अंदर भी आपको मैं अंडर रूट वाला मेथड एक्सप्लेन करती हूँ, ये वाला सब मैंने अभी आपको एक सॉल्व कर दिखाया है। ये सारी की सारी इक्वेशंस हमारे इसी मेथड को फॉलो करती हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, हम अंडर रूट वाले सम को जब हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट वाले सम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिंपल यही मेथड चलेगा, 1/1 अंडर रूट एक्स को ए मान लेना और 1/ अंडर रूट वाई को क्या मान लेना, बी मान लेना। तो आपकी इक्वेशन बनेगी 2a + 3b = 2 और 4a - 9b = -1। आप इसको सॉल्व करें, जो आपका ए और बी का आंसर निकलेगा आप उसे यहां पुट करना वापस स्टार के अंदर, और अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देना, आपका सम निकल जाएगा। तो आज आपके ये 3 क्लास वर्क रहने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 7। दैट्स ऑल विद दिस सेशन स्टूडेंट्स। आप में से जो भी फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपको पता है मैथ्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस वर्क। तो आप चैनल पर जाकर सारे प्रीवियस लेक्चर्स चेक करेंगे और जो चीजें मैं आपको कह रही हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करनी है आप उनको अपने हिसाब से अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। दिस एक्सरसाइज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।